अस्सलाम वालेकुम, मज़हर अब्बास फ्राम सिका स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब। हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस वाई 7, एक्स वाई 12, और फाइंड करना है हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को। गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास x प्लस वाई 7 है, एक्स वाई 12 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला जो यूज़ होना है वो लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल का क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले का मैथमेटिकल प्रूफ भी हम देख लेते हैं, यानी कि इस फार्मूले को हम साबित कर लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है। ए क्यूब ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं हम, ए प्लस बी होल का क्यूब, इस ए प्लस बी होल क्यूब को आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला खोल लेते हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर का। ए प्लस बी उस तरह आ गया, ए प्लस बी होल का स्क्वायर जो है इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, इसको फार्मूला पर किया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इसके साथ ज़रब दे देते हैं जी। जब a स्क्वायर से ज़रब होगा तो a का क्यूब बन जाएगा, जब a b के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ab का स्क्वायर आ गया प्लस 2a² b प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर से तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी। अब बी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, बी का क्यूब प्लस ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2ab का स्क्वायर। अब देखें ज़रा क्यूब और एक में इकट्ठी कर लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या चीज़, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर देखें ये ए बी का स्क्वायर है, ये भी ए बी का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3ab का स्क्वायर। ये 2a² b है, ये भी 2a² b है, तो इसको लिख सकते हैं 3a² b। अगर यहाँ से हम क्या करें, 3ab को कॉमन ले लें, 3ab को कॉमन ले तो क्या बनेगा, बी प्लस ए, इसको तरतीब लगा कर लिख लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फार्मूला है जी। अब देखें इस फार्मूले के अंदर हमारे पास, अगर इसको मैं एक्स वाई की शक्ल में लिखूं तो एक्स प्लस वाई होल का क्यूब आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इस फार्मूले के अंदर एक्स प्लस वाई दिया गया है 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने मालूम करना है, एक्स वाई दिया गया है 12, और एक्स प्लस वाई भी कितना है हमारे पास 7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीमतें दर्ज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई की कीमत लिखी हमने कितना, क्यूब 7 लिख का क्यूब आ गया, ये तो हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। अब एक्स वाई की जगह कितना आ जाएगा 12, और एक्स प्लस वाई की जगह 7, इसका क्यूब लिख लेते हैं जी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने मालूम करना है 3 × 12 = 36, 36 × 7 तो ये होता है 252। हमने तो इसको फाइंड करना है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर किसको हो जाएगा माइनस का, 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब। 343 में से 252 गए तो बचते हैं कितने, 91, यानी कि 91 बच गया। ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू है।
जी क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेवन है इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 सॉरी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। हमारे पास दिया गया है 3x जमा 4y, 3x जमा 4y ये हमारा है 11 और xy की कीमत दी गई हमारे पास 12 और हमने मालूम करना है 27x की पावर 3 प्लस 64y की पावर 3, इसको हमने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला दिया गया है जी, जो बेसिक फार्मूला है x प्लस y होल का क्यूब इक्वल टू है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 × x y × x + y। अब सवाल में देखें तो जहाँ पे x है वहाँ साथ 3 आ गया है, जहाँ पे y है वहाँ साथ 4 आ गया, यहाँ पे 3 लेते हैं यहाँ पे 4, 3 4 3 और 4 यहाँ पे 3 और 4। अब देखें हमारे पास 3x जमा 4y की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 11 इसका क्यूब आ गया, 3 का क्यूब 27 क्यूब आ गया, 4 का क्यूब 64 y का क्यूब आ गया प्लस 36 एक्स वाई इंटू 3x जमा 4y। 11 क्यूब कितना होता है 13 31 इज इक्वल टू 27x की पावर 3 प्लस 64y की पावर 3 प्लस 36 इंटू एक्स वाई की जगह हम क्या लिखते हैं 12 और 3x जमा 4y की जगह 11 लिखते हैं जी, 13 31 इज इक्वल टू आ गया 27x पावर 3 जमा 64y की पावर 3, 36 ज़रब 12 ज़रब 11 इसका आंसर आता है 47 52। जी हमने 27x पावर 3 प्लस 64y की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है इधर किसको हो जाएगा माइनस का, 13 31 माइनस 47 52 इज इक्वल टू 27x की पावर 3 प्लस 64y की पावर 3। 47 52 में से 13 31 गया तो कितना बच गया 34 21 इज इक्वल टू 27x की पावर 3 प्लस 64y की पावर। देखिए 47 52 बड़ा है 13 31 छोटा है इसलिए साइन किसका आना है, बढ़िया कम वाला, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 27x की पावर 3 प्लस 64y की पावर 3 की इक्वल है कितना माइनस का 34 21। जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, x माइनस वाई दिया गया है कितना 4, एक्स वाई दिया गया है कितना 21, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है, अब माइनस वाला फार्मूला लिख लेते हैं कि x माइनस वाई होल की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए हमारे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 4, ये तो हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, एक्स वाई दिया गया है 21 और एक्स माइनस वाई वही वैल्यू कितनी 4, तो पुट कर देते हैं एक्स माइनस वाई की जगह आ गया 4 इसका क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, एक्स वाई की जगह आ गया 21 और एक्स माइनस वाई की जगह आ गया 4, 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 ज़रब 4 12 12 ज़रब 21।
64 इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 12 जरा 21 किया तो ये हमारे पास आ गया 252। हमने तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो ये माइनस वाई रकम यहाँ पे आकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 64 प्लस 252 इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, जब ये जमा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 316 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर किसके आ गया 316 के, यही हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब के, हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 3 के, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की। फार्मूला वही है हमारे पास क्यूब वाला कि a प्लस बी होल का क्यूब बराबर होता है किसके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। अब सवाल के अंदर जो x है वो हमारा a है, जो 1 ओवर x है वो हमारा क्या है, b है। तो a की जगह लिख लेते हैं x, b की जगह लिख लेते हैं 1 ओवर x, यानी कि इसका क्यूब आ गया x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x। अब x प्लस 1 ओवर x कितना है हमारे पास, 3 इसका क्यूब आ गया इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, प्लस ये x इस x से कैंसिल 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x, 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1 ओवर x हमारे कितने हैं, 3, तो 3 लिख लिया, 27 इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स जी, 27 बराबर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 9 यहाँ प्लस का है, इधर किसको जाएगा माइनस का, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब के, 27 में से 9 गए तो 18 बच गया, 18 बराबर किसके आ गया एक्स क्यूब जमा 1 ओवर एक्स क्यूब के, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई कितनी, 18, यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि 3x जमा 1/3x इज इक्वल टू 5 के, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 27 एक्स की पावर 3 प्लस 1/27 एक्स की पावर 3 की जी। फार्मूला लिख लेते हैं कि x प्लस 1 ओवर x इसका क्यूब इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x। अब देखिए हमारे पास x के साथ 3 आ गया है, तो साथ 3 लिख लेते हैं, तीन एक्स प्लस 1 ओवर 3x कितना है 5, 5 का क्यूब आ गया, 3 का क्यूब 27 एक्स की पावर 3 आ गया प्लस 1 ओवर 27 एक्स की पावर 3 प्लस 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए तो अंदर कितना बच गया 3x प्लस 1 ओवर 3x, 5 का क्यूब 125 इज इक्वल टू 27 एक्स की पावर 3 प्लस 1/27 एक्स की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 ओवर 3x कितना है हमारे पास 5, 125 एक्स की 27 एक्स की पावर 3 प्लस 1/27 एक्स की पावर 3 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। अब यहाँ पे ये किसका है प्लस का है, इधर किसको जाएगा
माइनस का 125 माइनस 15 इज इक्वल टू आ गया 27, एक्स पावर 3 जमा 1 बटा 27 एक्स पावर 3। 125 में से 15 गए तो कितना बच गया 110, 27 एक्स पावर 3 जमा 1 बटा 27 एक्स पावर 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है, यानी कि 27 एक्स पावर 3 जमा 1 बटा 27 एक्स पावर 3 बराबर आए इसके 110 के। सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया है, आपने घर से जो है 11 और 13 करके आना है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसलिए इसको 12 कर देते हैं।